हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया फ्रेंड्स, ये एसबीआई पीओ 2019 मेमोरी बेस्ड पेपर है, उसका रीजनिंग पार्ट लिया है। इसके पहले हमने इंग्लिश पार्ट सॉल्व किया था, लेकिन देखिए इस वीडियो को हम बनाएंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग। किस तरीके से, पहले एक मिनट कुछ बात करूंगा, उसको सुन लीजिएगा, तभी वीडियो पे जाइएगा, मजा आएगा। ठीक है, इसके पहले हमने इंग्लिश को सॉल्व किया था 20 मिनट में, ठीक है, पूरा 30 क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा क्वांट सेक्शन, लेकिन मैं सॉल्व करा रहा हूँ रीजनिंग। क्वांट को भी स्किप करेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में लेंगे, क्योंकि मुझे रीजनिंग सॉल्व करने का मन कर रहा था तो रीजनिंग ले लिया, और कोई बात नहीं। ठीक है, करना क्या है आपको, पेपर और पेन लेके बैठना है और इसको एक मॉक टेस्ट की तरह लेना है। ठीक है, मॉक टेस्ट की तरह लेना है। और क्या करना है, जैसे कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, आप भी करेंगे, वही हमारा वही अप्रोच रहेगा जो अब तक रहा है, सारे पेपर जैसे जैसे सॉल्व किए हैं। क्या, रीजनिंग में सबसे पहले हम मिसलेनियस सॉल्व करेंगे, उसके बाद पजल पे आएंगे, और उसके बाद जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस पे आएंगे। तो यही हमारा अप्रोच रहेगा, जो जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप, मैंने पहले सॉल्व कर लिया तो वीडियो को आपको वहीं पॉज करना है और अपना सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, देखना है। वीडियो को पॉज करने के बाद ही वहां से अपना टाइम काउंट करना है कि कितना सेकंड आपको ज्यादा लग रहा है मुझसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, इसी तरीके से पजल के केस में भी होगा, सारे केस में इसी तरीके से होगा कि आपको मुझसे ज्यादा कितना टाइम लग रहा है। और इन केस मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है और आपका सॉल्व हो चुका है, तो भी आप वीडियो को अपने आप वहीं वीडियो को पॉज करके टाइम देख लेंगे और देखेंगे मुझे कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन में आपको मुझसे कम टाइम लगा है उसे जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कौन सा है। ठीक, और ये टेक्निक मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है, मॉक टेस्ट देने पे उतना क्लियर नहीं हो पाता है, परसेंटाइल देख लिया हमने, रैंक देख लिया, ठीक है, समझ में नहीं आता है कि जो बच्चे मतलब जो तेज है मुझसे वो कितने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एवरेज टाइम में पता चलता है, टॉपर टाइम पता चलता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं वन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ तो मेरा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइमिंग है, इसी के अराउंड आपका भी टाइमिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको भी पता चल जाएगा कि आप मुझसे कितना लैग हो रहे हैं किस टॉपिक पे, या फिर आपका किस टॉपिक में एज है मुझसे ज्यादा। ठीक, ये आपको पता चलेगा। और देखिए, जैसे ये हुआ है, इसी तरीके से जैसे ये सॉल्व करेंगे हम, इसी तरीके से आपको इस चैनल पे आईबीपीएस क्लर्क का प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वांट इंग्लिश सेपरेट 20-20 मिनट में, और आईबीपीएस पीओ का और आरबी पीओ का, ये सब प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रीवियस ईयर के वाले उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। ठीक, तो ये होगी बात, अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, पेपर स्टार्ट होगा और आप भी कॉपी पेन लेके बैठिएगा। थोड़ा सा मुझे जुकाम है तो आवाज पे ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पजल स्किप करना है, और ये आ गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसको सॉल्व करेंगे। क्यू इज 16 मीटर टू द साउथ ऑफ पी, पी 16 मीटर क्यू, ठीक है, आर इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ क्यू, R is 5 meter to the west of Q, T is 25 meter to the north of R, 25 kilometer to the north of R, T, V is 10 meter to the east of T, 10 meter east of T, V is 10 meter to the east of T, J is 9 meter to the south of V, 9 meter to the south of V, 16 or 25, yeah, here we J. In which direction V is to Q, V is with respect to Q, Q के respect में north, north east में है, W is to the west of J, W is to the west of J, ठीक है, and to the north of R, R के north में west of J, W जगह आ गया, and what is the distance between W and the point T, W T के बीच में 9 meter distance हो गया, next question लेंगे, थोड़ा सा नीचे, In which direction energy is distance P with respect to J? P with respect to J is west and it's 5 west. तो इसका हो जाएगा 5 west 34 पजल है 34 के बाद ये वन लाइन इसको बाद में करेंगे फिर पजल फिर ये वन लाइन इसको बाद में करेंगे सिनॉक्स इसको करेंगे सॉल्व ओनली अ फ्यू टीचर आर मेल ओनली अ फ्यू टीचर आर मेल अ फ्यू मेल आर बॉय फ्यू मेल आर बॉय ऑल टीचर बीइंग मेल इज अ पॉसिबिलिटी ऑल टीचर बीइंग मेल इज अ पॉसिबिलिटी ऑल टीचर बीइंग टॉय बॉय इज अ पॉसिबिलिटी ऑल टीचर बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी ओनली टू फॉलोज होगा ओनली टू फॉलोज ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ऑल कार आर टॉय कार आर टॉय एम्पायर लैम Some car are lamp, only a few car are lamp, some car are not toy,
टेलीग्राम तो सेकंड तो ट्रू है, सेकंड तो ट्रू, ठीक है। फ्यू डक्स आर बर्ड्स, फ्यू डक्स आर बर्ड्स, दी ओनली बर्ड्स आर एग, ओनली बर्ड्स आर एग, तो एग अगेन यहाँ पे, ऑल बर्ड्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, ऑल डक्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डक्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, तो ये दोनों गलत रहेगा, इधर नॉट ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, नहीं 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 नहीं, फ्यू डक्स आर बर्ड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुत कंफ्यूजन, वन एंड टू आर ट्रू, ठीक है। फिर आगे हमारा पजल, इसको करेंगे स्किप अभी के लिए, और ये शायद सिलेंडर है, पजल है, पजल है, मनी इज द पेंसिल इज टू मनी, पजल नहीं है ये है ब्लड रिलेशन, इसको हम करेंगे सॉल्व। एक पैटर्न्स कंसिस्ट ऑफ फैमिली ऑफ थ्री जनरेशन, तीन जनरेशन है, सो दैट देयर आर थ्री फीमेल्स हैं, टू मैरिड कपल, दो कपल हैं, परिवारी पर्सन ऑफ द फैमिली, इधर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर लाइफ, ठीक है। चरण सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ गांधी, चरण चरण की सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब इसका कोई भाई होगा, उसकी वाइफ होगी, तो सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ गांधी, ये मदर है किसकी, गांधी की, ठीक है। हरी इज अनमेरिड फीमेल, हरी जो है अनमेरिड फीमेल है, हरी इज मदर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, इसकी मदर की कोई सिबलिंग नहीं होगी। आरुषि इज फादर इन लॉ फैंसी, तो आरुषि आरुषि इज फादर इन लॉ ऑफ फैंसी, फैंसी कौन है, हु इज मदर ऑफ टू चिल्ड्रन, ये फीमेल हो गया, मेल हो गया, ये है दो चिल्ड्रन, ठीक है। बबली इज ग्रैंड मदर ऑफ गानी, हु इज नेफ्यू दिन का, बबली इज ग्रैंड मदर ऑफ गानी, तो यहाँ आ गया बबली, बबली इज ग्रैंड मदर ऑफ गानी, हु इज नेफ्यू दिनकर, गानी इज नेफ्यू के दिनकर, कैसे कोई नहीं किधर आएगा, दिनकर दिनकर आ गया यहाँ पे, तीन फीमेल चाहिए, एक फीमेल दो फीमेल हुआ है, और ये फैंसी, ये भी तीन जनरेशन, ये भी तीन जनरेशन, तो एक नया बनेगा, बनाते हैं हरी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आरुषि मेल और बबली, बबली फीमेल, इसका एक लड़का है, नहीं मालूम कौन है, और ये मैरिड हो गए जिससे फैंसी से, फैंसी, और इसके दो बच्चे, एक तो गानी हो गया गानी, और यहाँ पे आ गया चरण, चरण और दिनकर, दिनकर जो है सब दो चार छः सात आठवा हरी है, हरी है यहाँ पे, दो बच्चे थे और हरी हो गए फीमेल, तो एक में दो तीन फीमेल हो गए, बाकी सब मेल हो गए, ये भी मेल हो गया, एक भी मेल हो गया, अब ये जो बचा बचा एडवर्ड बचा, एडवर्ड हो गया सॉल्व, हाउ इज हरी रिलेटेड टू आरुषि, हरी रिलेटेड टू आरुषि, आरुषि कहाँ है, हरी इज ग्रैंड डॉटर हो गया, हाउ इज दिनकर रिलेटेड टू हरी, दिनकर रिलेटेड टू हरी, दिनकर इज अंकल, दिनकर इज अंकल, तो हो गया डी, ठीक। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज आरुषि हैव, आरुषि हैव वन टू थ्री चिल्ड्रेन, थ्री चिल्ड्रेन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिनकर्स डॉटर, इफ वानी इज दिनकर डॉटर, हाउ इज फैंसी रिलेटेड टू वानी, दिनकर की डॉटर फैंसी इज, फैंसी हो जाएगी आंट, फैंसी इज आंट, तो आंट हो गया, ये हो गया सॉल्व। अब आगे ये है फसल, इसको बाद में करेंगे। ये देखो बाबा, ये क्या आया है बीआईपीओ में, इसीलिए बीआईपीओ का पिछले साल का पेपर हुआ था, बहुत इजी 71 चला गया था कट ऑफ। ये जो बीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क में आता है वो बीआईपीओ के एग्जाम में आया हुआ है, तो कट ऑफ तो 71 जाना ही था, मैं भी सोचूं कितना कट ऑफ क्यों। हाउ मेनी सच कंसोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल, कंसोनेंट वोवेल, कंसोनेंट फॉलोड बाय वोवेल, एक हो गया, एक तीन तीन है, तो आपका आंसर हो गया डी, डी हो गया आंसर थ्री। नेक्स्ट, ये थोड़ा घुमाया हुआ था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एट टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आपका आंसर हो गया
98 का 9, उसके बाद 99 पाएंगे। 99th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर, ये करेंगे बाद में, इन रो ऑफ, ये भी करेंगे बाद में। मतलब एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, मिसलिंग कम आया था, एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, उसको हम देखेंगे बाद में। पहले हम आते हैं पजल पे। पजल स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे, मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि आप इसे जल्दी करेंगे। फटाफट से पढ़ते हैं। सिक्स बॉक्सेस आर केप्ट अबव वन अनदर, दे आर लाइक डिफरेंट कलर और सेम ऑर्डर, बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स ऑरेंज, सिक्स इज अबव बॉक्स ऑरेंज, टू बॉक्स आर केप्ट बिटवीन ऑरेंज कलर एंड पिंक कलर, ऑरेंज और पिंक के बीच में दो, ओनली थ्री बॉक्स आर देयर बिटवीन पिंक कलर एंड ई, पिंक और ई के बीच में तीन, ई इज नॉट ब्लू इन कलर, ई को ब्लू नहीं पसंद, रेड बॉक्स केप्ट इमीडिएटली अबव द पिंकर बॉक्स, पिंक के ऊपर रेड, ओके, एफ इज वॉयलेट इन कलर, एफ इज वॉयलेट इन कलर, बॉक्स ए इज इमीडिएटली अबव बॉक्स बी, ए इज इमीडिएटली अबव बॉक्स बी, डी इज ऑरेंज कलर, डी इज ऑरेंज कलर, मतलब यू गेट डी। तो इसको बनाते हैं फटाफट से, फटाफट फटाफट, अभी तक तो कॉपी में मैं बना दिया होता, मतलब आप लोग बना दिए होंगे, कोई बात नहीं। कितने हैं, पाँच, छः, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, हाँ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं, सी डी लेते हैं, तो डी ऑरेंज, सी ऑरेंज, दो छोटे पिंक, एक दो पिंक, पिंक रेड, पिंक तीन छोटे, ई ऊपर जाएंगे, एक दो तीन नीचे जाएगा, मतलब कि एक और ऊपर जा सकता है, तो हम यहाँ लेते हैं, ये तो हो गया गलत, रेड हो गया, यहाँ पे पिंक लेंगे और फिर एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे आएगा ऑरेंज, और ये हो जाएगा हमारा डी, ये हो जाएगा सी, ठीक है, और तीन छोड़ के ई, एक दो तीन छोड़ के हमारा ई, ई ब्लू नहीं है, अब ये पिंक के ऊपर रेड सब हो गया, एक और बी एक साथ आएंगे, एक और बी एक साथ आएंगे, उससे पहले एफ वॉयलेट है, एफ वॉयलेट के लिए बस ये जगह एफ वॉयलेट, ए और बी को एक साथ लेना है, तो ए आ गया यहाँ, बी आ गया यहाँ, ये ब्लू नहीं हुआ तो ये हो गया ब्लू, और जो कलर बचेगा वो आएगा यहाँ पे, सॉल्व हो गया, हमने बॉक्स दिया बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में दो बॉक्स हैं, आंसर हो गया टू, विच बॉक्स इज केप्ट एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, डी, क्वेश्चन हो गया डी, 67 के बाद 68 क्वेश्चन क्या है, विच बॉक्स इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर हो गया हमारा ई भाई साहब, और विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स ई, ई के ऊपर डी है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स एफ, एफ के ऊपर कितने बॉक्स हैं, दो बॉक्स हैं, तो दो हो गया, ये सारे हो गए क्वेश्चन सॉल्व, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और अब हम करेंगे इसको सॉल्व, ठीक। सिक्स पीपल आर सिटिंग अराउंड ट्रायंगल इन सच अ वे दैट थ्री ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर, मिडिल, दोस आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेस इनसाइड, दोस आर आउटसाइड, इतना छोटा पजल है, बहुत छोटा पजल है, तो फटाक से हम दो फेस बना ही लेते हैं, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं, साइड वाले बाहर देख रहे हैं, कॉर्नर अंदर साइड बाहर, कॉर्नर अंदर साइड बाहर, हो गए छः, ए सिट एट द कॉर्नर, ए कॉर्नर पर बैठेगा, ठीक बैठा देते हैं, एक यहाँ ए सिट एट द कॉर्नर, एम इज एन इमीडिएट नंबर ऑफ ए, ए का इमीडिएट नंबर एम है, तो यहाँ भी हो सकता है, और एक और केस हमें बनाना पड़ेगा, एक और केस, फटाफट कॉपी होता था, तब तक मैं एक केस बना चुका था, ये हो गया यहाँ, एम हो गया यहाँ, टू पीपल सिट बिटवीन एम एंड सी, एम और सी के बीच में दो है, तो एक दो यही आएगा, सी आ गया यहाँ पे, इसी तरीके से सी आ गया हमारा यहाँ पे, ओ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ओ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में ओ आ गया, सी के इमीडिएट लेफ्ट में ओ आ गया, ठीक है, एन इज एन इमीडिएट नंबर, ओ ओ का इमीडिएट नंबर एन हो गया, ओ का इमीडिएट नंबर यहाँ कोई नहीं है, ये खत्म, ये हो गया सॉल्व, बचा कौन, एम एन ओ सी, ये जी बचा, जी आ गया यहाँ पे, वट इज द पोजीशन ओ विद रिस्पेक्ट टू सी, ओ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी खत्म, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ओ, ए एंड ओ के बीच दो है, ये भी सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सेकंड टू द राइट ऑफ ए इज एन, ठीक, हाउ मेनी सच पेयर, ये हो गया सॉल्व, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, वो छोटा छोटा पजल दिया हुआ है, नाइन पीपल आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ, डिस्टेंस बिटवीन टू इमीडिएट नेबर ऑल गिवन नेसेसरी नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, नाइन है, तो नौ का दो क्वेश्चन आते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात आठ नौ, ठीक है, पी सी सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट ऑफ द लाइन, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, ए हो गया इधर से और ये हो गया इधर से, ओके, आर सी थर्ड टू द राइट ऑफ पी, थर्ड टू द राइट ऑफ इधर तो है नहीं, थर्ड टू द राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, और इधर से लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, राइट ऑफ पी, टू पीपल सिट बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में दो, इधर तो आएगा नहीं, ये हो गया एस और ये हो गया एस, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, सेकंड टू द राइट ऑफ एस, कौन यू, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, ओके, आ गया ये, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस आर डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ एस, एस के अपोजिट इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर एस के अपोजिट, इमीडिएट नेबर एस के अपोजिट, ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस अपोजिट डायरेक्शन, ओके, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, फर्स्ट सेकंड इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो इधर भी पॉसिबल है,
T6 second to the right of you. The possible नहीं है T6 second to the right of you. Both U and T face same direction. U and T face same direction. U and T face same direction. W is a neighbor of T. W is neighbor of T. तो W यहाँ गया. W यहाँ गया. W and T face opposite direction. W and T face opposite direction. W and T face opposite direction. Some person sitting at extreme in face opposite direction. Extreme in वाले opposite direction face कर रहे हैं. Extreme in वाले opposite direction face कर रहे हैं. Q sit second to the left of you. V. Q sit second to the left of V. तो कहाँ बैठेगा? ऊपर तो possible ही नहीं है. और यहाँ Q sit second to the left of V. V. यहाँ क्या? Q. Yeah. X does not face south. X does not face south. तो X तो यहाँ गया. ये हो गया हमारा. Sorry, ये हो गया हमारा answer. How many people sit between W and V? W और V के बीच में कितने हैं? W और V के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 है 5. और next question लेंगे. Next लेंगे 4 of the following lie in certain. Find out Q W P V R. Q W P V R. R हो गया अलग. Who among the following sit extreme in? Extreme in पे V X बैठा है. A हो गया answer. What is the position of T with respect to P? T with respect to P second to the right. Second to the right. E हो गया. Who sit to the immediate right of Q? Immediate right of Q कौन है? S है. S. D हो गया answer. ये सब solve. ये भी solve. ये भी हमने सॉल्व कर लिया है. एक पजल ये रहा, इसको भी हम करेंगे फटाफट से सॉल्व. क्योंकि टीवी डिफरेंट फ्लोर सेम बिल्डिंग इट 6th floor number 1 to 6 ठीक है. 1 to 6 6 5 4 3 2 1 ठीक. क्यू लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर. क्यू इवन नंबर फ्लोर पे 2, 4, 6 पे आएगा ठीक है. ओनली टू पीपल लीव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच क्यू एंड वी लीव. क्यू और वी के बीच में दो लोग हैं ओके. एस लीव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच आर लीव्स. S immediately above R है. S does not live on odd number floor. S जो है ये भी 2, 4, 6 पे तो आने से 6 पे आ सकता है 2, 4, 6 ठीक है. P does not live on a floor which is immediately above or immediately below the T leaves. T के immediately above और immediately below में P नहीं आएगा. T leaves P does not live on lower most floor. तो और P जो है first floor पे भी नहीं आएगा. बस इतना ही है, इसको solve करना है. तो हम फटाक से क्या करते हैं, Q को एक बार यहाँ आते हैं. Q यहाँ आ गया. दो छोटे V, एक दो V आ गया हमारा यहाँ पे. ये किस बनते ही S और R के लिए बस एक यही जगह बचा. तो ऐसा ये यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे. और T P जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा. तो P आपका आ गया यहाँ पे और T आ गया आपका यहाँ पे. ये हो गया सवाल, बहुत आसान था. इनका जब बिना उसी के बैठ गया तो किस बढ़ गया. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लीव ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर क्यू एंड वी लीव. क्यू और वी के बीच में दो पर्सन है और वो एस आर है. एस और आर है. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग लीव ऑन फ्लोर नंबर 5 वी ठीक है. ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डस टी लीव. टी लीव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर. हाउ मेनी. ये हो गया नहीं. हाउ मेनी पीपल लीव्स ऑन द फ्लोर एवर द फ्लोर इज पी लीव्स. कोई नहीं नन. तो सारे ये सॉल्व हो गया. ऑनलाइन वाले दिखते थे, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट पेयर ऑफ लेटर डी के लेटर बिटवीन द वर्ड दे इन इंग्लिश. तो डी के कैसे सॉल्व करते हैं. एबीसी डी ई एबीसी डी ई एफ जी एच आई ई एफ जी एच आई एबीसी डी ई एफ ए यानी वाई एस नहीं F guess T U V W X Y Z A B C A B C D. तो A D हो गया. C D E D E D दो है. टू हो गया हमारे सर. देंगे इनका टू. इन अ रो ऑफ स्टूडेंट पोजिशन ऑफ द एंड्रयू फ्रॉम द लेफ्ट साइड रो इज 32. तो एंड्रयू के इधर 31 है. एंड द पोजिशन ऑफ एंड्रयू फ्रॉम द राइट साइड इज 41st. मतलब इधर 40 लोग हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ. टोटल कितना बचा है? 70 का 72. टोटल हो गया 72. 700 का बी. तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया. अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसको करेंगे हम सॉल्व. ये सारे सॉल्व कर चुके हैं हम. ये एक ये रह गया है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये भाई. टेबल टी ए बी एल ई और ये क्या है बी यू ई एफ एन और माइनर को कोट करना. ओके क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है. ए बी तो दिख रहा है, ए बी दिख रहा है और क्या है ई एफ टी यू एल एफ सी डी ई. ओके ऐसे यहाँ पे क्या पी क्यू. ठीक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. एम आई के बाद आएगा जे है ना. आई के बाद आएगा जे. एम के बाद आएगा एन. एन आएगा एम एन ओ पी क्यू. क्यू आएगा जे एन क्यू. जे एन क्यू भाई है सी में भाई नहीं है. ये हो गया सॉल्व. और ऊपर वाली ये सब हमने कर लिए हैं सॉल्व. ये सब कर लिए हैं सॉल्व. ये बच गया, ये भी वही क्वेश्चन रिपीटेड है. सो कैसे पी क्यू आर पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ई एफ जी एच आई जे के आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी ई है ना ई एफ जी एच आई जे के एल
चार से ज्यादा हो गए, मोर देन फोर, कम, ये क्वेश्चन आगे बढ़ो आगे। ये भी हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, मुझे लगता सब हो गया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो 20 मिनट ज्यादा नहीं लगा होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मुझे लगता है 100% एक्यूरेसी है। कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो प्लीज बताइएगा कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया है, और जिस क्वेश्चन में आपको मुझसे ज्यादा टाइम लगा है वो जरूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। और जिस क्वेश्चन में आपको मुझे कम टाइम लगा है, आपको ज्यादा टाइम लगा है, वो आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, उसमें आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी पेपर मैंने सॉल्व किया है उसको अपना मॉक की तरह पेपर को सॉल्व करिए, अपना एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ तो जो स्पीड मेरी है इसी के अराउंड आपकी स्पीड होनी चाहिए, और इसी तरीके से आपका अप्रोच भी होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वांट के साथ।